उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मेघा ब्रिजवाल राजनीति विज्ञान विभाग से आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के बारे में बताने जा रही हूं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में महार जाति में हुआ था। महार जाति एक दलित जाति थी। इन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता था। भीमराव अंबेडकर, भीमराव, भीमा इनकी माता का नाम था, जिनकी वजह से इनका नाम भीमराव पड़ा। अंबेडकर जी एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, न्यायविद, धर्म और दर्शन के विद्वान व एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में व्याप्त दलितों के साथ जो असमानता का व्यवहार ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था उनको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। इन्होंने शिक्षा भारत के साथ साथ ही विदेशों में जाकर ली। दलित जाति के होने की वजह से इन्हें स्कॉलरशिप बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव तृतीय के द्वारा इन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, जिनके चलते इन्होंने विदेश से शिक्षा ग्रहण की। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, जो भारत में स्थित था, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से प्रथम ऐसे दलित जाति के व्यक्ति थे जिन्होंने बीए की उपाधि ग्रहण की थी। बीए की उपाधि के साथ साथ इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी, डीएससी, इन बड़ी बड़ी उपाधियों को प्राप्त किया था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी अपनी लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर शुद्रास, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल्स, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वेटिंग फॉर अ वीज़ा अम्बेडकर जी की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर वीज़ा यानी कि ये विदेश में शिक्षा ग्रहण करने से लेकर भारत में आने तक और भारत में आने के बावजूद किस तरह से इन्होंने दलित जाति को सम्मान देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए जो भरसक प्रयास किए, यह अपनी आत्मकथा में लिखा है। अंबेडकर जी के द्वारा दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारी रचनाएं के साथ साथ इन्होंने कुछ पत्र भी प्रकाशित किए, जिनमें मूक नायक, बहिष्कृत हितकारिणी सभा एवं प्रभुत्व भारत ऐसी पत्रिकाओं और सभाओं का गठन किया गया। अब हम इनके सामाजिक विचार की तरफ बढ़ेंगे। अंबेडकर जी ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चार वर्णों की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अंबेडकर जी शूद्र जाति से संबंधित थे और शूद्र जाति के लोगों के साथ ब्राह्मण जो जाति थी उनके द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। तो इन सब असमानताओं के चलते, उन बुरे बर्ताव के चलते उन्होंने यह बचपन से ही ठान लिया था कि दलित जाति का उत्थान करना है। तो उन्होंने जब डिग्री हासिल की, शिक्षा ग्रहण की, तो उन्होंने भारत में आकर इस असमानता को दूर करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया तथा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विरोध करने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की गई। अब हम उनके राजनीतिक विचार की तरफ बढ़ेंगे। अंबेडकर जी राज्य के उदारवादी स्वरूप को स्वीकार करते थे। उनका कहना था कि राज्य व्यक्ति के लिए एक साधन मात्र है। राज्य को व्यक्ति के, नागरिकों के जो अधिकार है उनको, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, लोक कल्याणकारी उपाय करने चाहिए ताकि व्यक्ति का विकास संभव हो सके। साथ ही उन्होंने संसदीय शासन पद्धति का भी समर्थन किया और लोकतंत्र में भी उनका बहुत विश्वास था। उनका कहना था कि संसदीय शासन व्यवस्था और लोकतंत्र के व्यवस्था से जो जनता है वह अपने प्रतिनिधि का चयन स्वतंत्र रूप से कर पाती है तथा वह प्रतिनिधि अपने जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है,
ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। साथ ही वह चाहते थे कि जो सरकार है, जो शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आती है, तो वह चाहते थे कि यह जो शक्तियां हैं वह एक जगह केंद्रित न हो, इनका विकेंद्रीकरण हो। वह ऐसा चाहते कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, योजनाएं हैं, वह उचित रूप से पहुंच सके। अब हम इनके लोकतंत्र संबंधी विचार आपको बताएंगे। लोकतंत्र संबंधी विचार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वह संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। सामाजिक और आर्थिक जो स्वतंत्रता या लोकतंत्र की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि वह चाहते थे कि समाज पर जो जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत जैसी जो असमानता दिखाई दे रही है, जब तक उनका अंत नहीं होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनका विकास संभव नहीं होगा, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। यह अम्बेडकर जी का मानना था। अब हम आगे बढ़ेंगे। भाषाई राज्यों पर जो उनके विचार थे वह क्या थे? अंबेडकर जी का कहना था, वह चाहते थे कि उनके अनुसार एक भाषाई के बजाय मिश्रित भाषाई राज्यों में एकजुटता देखने को मिलती है। यानी कि उनका कहना था कि मिश्रित भाषा होने से जो सभी देशवासी है उनमें एकता बनी रहती है, तो उन्होंने एक भाषीय के बजाय मिश्रित भाषीय राज्यों में अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मिश्रित भाषियों की वजह से जो एकता है वह बनी रहती है, जो राष्ट्र निर्माण का खतरा नहीं बन पाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इनके अधिकार संबंधी विचार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उन मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, शिक्षा संबंधी अधिकार आज आपको देखने को मिलते हैं, जो भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है। तो आप जानते हैं कि ये जो सभी अधिकार है उनमें बहुत बड़ा योगदान अंबेडकर जी का रहा है। उन्हीं के चलते आज जाति, धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव लोगों के साथ नहीं किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत देखने को मिल रहा है, साथ ही लोक अवसर की समानता भी दिखाई दे रही है। ये सब अंबेडकर जी के प्रयास से ही संभव हो पाया है। अब हम इनके आर्थिक विचार की तरफ बढ़ेंगे। अंबेडकर जी ने कहा कि भारत को अगर गरीबी और बेरोजगारी से मिटाना है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को कहा कि उन्हें निजी जो उद्योग धंधों का है उनको बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा सहकारी कृषि का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकास के पथ पर ले जाना है तो वहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा सहायक सहकारी कृषि करनी पड़ेगी, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, रोजगार बढ़ सके और जो देश में अनाज की कमी है वह उसकी पूर्ति हो सके। अब हम उनके पाकिस्तान के निर्माण के संबंध में विचार जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था थॉट ऑन पाकिस्तान, जो उन्होंने 1941 में लिखी थी। इस बुक में उन्होंने कहा जो पाकिस्तान है, तो जो मुस्लिम, भारत में जो मुस्लिम लोग रहते थे, अगर वो चाहते थे कि अगर वह अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते, वह एक अलग देश की मांग करना चाह रहे हैं, तो यह उनकी सही मांग है। अगर वो ऐसा चाहते अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, तो पाकिस्तान की मांग जो की जा रही है मुस्लिमों के द्वारा, तो यह मांग उनकी सही है, ऐसा अम्बेडकर जी का मानना था। यह बात उन्होंने अपनी थॉट ऑन पाकिस्तान बुक में लिखी है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स जिनके विचारों को हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, उन्होंने मार्क्सवाद की भी आलोचना की है। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि जो वर्ग संघर्ष है, यानी कि मार्क्सवाद ने बताया था कि श्रमिक किस तरह से पूंजीपतियों के साथ संघर्ष में लगे हुए थे कि ताकि उन्हें एक उचित वेतन मिल सके, उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाए, तो अंबेडकर जी का मानना था कि वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज से गरीबी और शोषण नहीं मिटाया जा सकता है। अंबेडकर जी ने कहा कि इन्हें मिटाने के लिए हमें जो समाज में जो जातिगत भेदभाव किया जा रहा है उनको मिटाने की सबसे पहली आवश्यकता है। उन्होंने साथ ही भारत की जो साम्यवादी दलों का जो गठन भारत में हुआ था उन्होंने उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा जो भारत में साम्यवादी दलों का जो गठन किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर उच्च जाति के लोगों का ही संगठन है और ये उच्च जाति के लोग केवल अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने हितों को साधना चाहते हैं। जो निम्न तबके के लोग हैं यानी कि जो दलित जाति के लोग हैं उनके उत्थान का वह कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते। तो उन्होंने साम्यवादी दलों की भी आलोचना की। अब इन्होंने जो अंबेडकर जी ने अंततः अपने जीवन के जो अंतिम क्षण थे उन क्षणों में उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो जातिगत भेदभाव है इनका समाप्त होना नामुमकिन है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्हें बौद्ध धर्म में यह देखने को मिला कि वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे भाईचारे की भावना विद्यमान है, वहाँ पर एक दूसरे से समानता का व्यवहार किया जाता है, इस तरीके का जातिगत भेदभाव नहीं है जिस तरीके का हिंदू धर्म में, तो बौद्ध धर्म से वह काफ़ी प्रभावित हुए और अंततः उन्होंने 400,000 अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आपकी स्क्रीन में एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिनमें उन्होंने अपने 500,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गांधी जी की आलोचना। गांधी जी भी समाज का उत्थान चाहते थे, वो सर्व कल्याण की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं। अंबेडकर जी भी यही चाहते थे कि सभी का कल्याण हो, पर गांधी जी वर्ण व्यवस्था को उचित मानते थे, वह चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि जो अस्पृश्यता की जो भावना है, छुआछूत जो विद्यमान है वर्ण व्यवस्था के चलते, वह बुरी है। तो वह चाहते थे कि यह जो छुआछूत का व्यवहार दलित जाति के लोगों के साथ किया जाता है वह नहीं होना चाहिए। परंतु अंबेडकर जी चाहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था विद्यमान है इसी को ख़त्म कर दिया जाए। वर्ण व्यवस्था के चलते ही दलित जाति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, तो वह गांधी जी की कटु आलोचना करते थे वर्ण व्यवस्था के चलते। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। साथ ही वह गांधी जी के जो रामराज्य की संकल्पना थी उनका जो प्रयोग है वह संभव नहीं हो सकता, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। गांधी जी एक ऐसे रामराज्य या मैं कहूँ आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता की भावना से देखा जाए, और साथ ही वह चाहते थे कि जो जनमानस है उनका राजनीतिक भागीदारी संभव हो, अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाए। पर उन्होंने कहा कि यह जो रामराज्य की कल्पना गांधी जी कर रहे हैं वह भारत में होना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से निम्न जाति के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, छुआछूत की भावना जिस प्रकार से उनके साथ की जा रही थी, तो वो उनका मानना था कि ऐसे राज्य में या ऐसे राष्ट्र में राम राज्य की कल्पना करना संभव नहीं है, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। तो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंबेडकर जी की प्रासंगिकता को देखें तो उन्होंने जितने भी प्रयास किए दलित जाति के उत्थान को लेकर वह कहीं ना कहीं आज संभव हो पाया है। उन्हें राजनीति में भी प्रतिभा करने को मिल रहा है, आरक्षण के चलते आज निम्न जाति के लोग भी उचित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च पदों पर विराजमान हो पा रहे हैं, ये सब अंबेडकर जी के ही प्रयास से संभव हो पाया। लेकिन आज फिर भी सामाजिक और आर्थिक असमानता, उच्च जाति और निम्न जाति को देखने को मिल रही है, तो आवश्यकता है भारत के समस्त नागरिकों को अंबेडकर जी के विचारों से सीख लेने की और समानता की भावना अपने सभी समाज के लोगों में बढ़ाने की, व्याप्त करने की। धन्यवाद।